Hello everyone, so welcome back guys, welcome to our channel. आज हम लोग मास्टर लीग खेलने वाले हैं और गाइज प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो कि आपने शायद पहले देखा हो. आज हम पकड़ेंगे लैप्रास. लैप्रास मैं नहीं पकड़ूंगा, लैप्रास पकड़ेगा मेरा बड़ी मैजिक का पकड़ के दिखाएगा लैप्रास. सो गाइज ये कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये सच में होगा वो भी दिखाऊंगा मैं. सो गाइज मैंने मास्टर लीग खेल रहा हूँ और मैं मास्टर लीग में वही टिप्स और ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी. सो गाइज वो मैं वीडियो आई वाले बटन पे डाल दूँगा, आप देखना. सो मैंने यहाँ लिया है अलोलन राइचू जिसकी सीपी 1500 समथिंग है, ठीक है. तो इसको लिया हमने फाइट के लिए. सो गाइज ये एक इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमॉन है और इसको लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमारे साथ बैटल में कुछ ऐसे पोकेमॉन आते थे जैसे कि वाटर टाइप आ गया और अपने फायर टाइप पोकेमॉन आ गए, इनके क्या तोड़ नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमॉन लेने का सोचा. तो अलोलन राइचू ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको आगे लूँगा क्योंकि इसकी सीपी सच में बहुत कम है और इसको मैं बढ़ा सकता हूँ पर ये मैं ग्रेट लीग के लिए रखना चाहता हूँ, इसको ग्रेट लीग में बहुत ज़्यादा काम आएगा. सो गाइस जिसके पास भी अलोलन राइचू नहीं है वो प्लीज़ फटाफट पकड़ने की कोशिश करें. सो गाइस अलोलन राइचू ने अपना पूरा काम किया है और वो आइस टाइप पोकेमॉन जो कि आइस इनकी वीकनेस है. तो कोबेलियन इज़ बैक एंड कोबेलियन नाम में क्या है कि एक ट्रस्ट सा दिखता है, कोबेलियन आता है तो लगता है कि भैया बाहर आ गई है, ऐसा लगता है कि अब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा, कोई पोकेमॉन ले आओ यार कोई दिक्कत ही नहीं है. सो गाइज कोबेलियन को देख के बंदे गेम एग्जिट कर रहे हैं यार. सो गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, वीडियो वायरल करो मेरी यार, कुछ तो करो, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी बहुत आगे बढ़ जाएगा चैनल. तो कोबेलियन के नाम पर भैया एक एक लाइक तो बनता है, कोबेलियन जो काम कर रहा है भाई उसके नाम पर एक एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब आप बाद में कर देना और वीडियो को भी लास्ट तक देखना. आप जिस हिसाब से वो मैजिक कार्प पकड़ेगी ना वो चीज़ आप देखना और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा. सो गाइज अब जो बैटल आ रही है इसमें जो भी पोकेमॉन होंगे उनकी सीपी मेरे सभी पोकेमॉन से डबल होगी, डबल नहीं मतलब 1000 ज़्यादा होगी, 1000 सीपी ज़्यादा होगी. अलोलन राइचू से तो मतलब 2000 ज़्यादा होगी. सो सामने ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है तो हमने फटाफट उसको हटाया, अलोलन राइचू की वो वीकनेस है, कोबेलियन इजीली इसको टैकल कर सकता है. सो गाइज दिस अटैक विल शो हिम हु इज कोबेलियन एंड व्हाई ही इज कॉल्ड कोबेलियन. सो दिस अटैक मेक हिम सो वीक एंड नाउ दिस चार्ज अटैक विल शो हिम हु इज द फादर, लेट हिम डू. उसने अगर शील्ड यूज नहीं की तो वो गया और वो गया. सो नेक्स्ट पोकेमॉन इज रैपीरियर. तो रैपीरियर का भी सेम यही सीन है, सो गाइस रैपीरियर का सेम यही सीन है, मैं चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग यार वो कई बार बंद हो जाती है. तो रैपीरियर ने भैया खा ली है चोट बढ़िया सी. सो गाइस जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं आपको कि कैसे मास्टर लीग जीती जाए मैं उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक पे काम कर रहा हूँ. सो गाइस कैलकुलेशन ये थी कि दिन में हम लोगों को 5 मौके मिलेंगे लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के. तो गाइस 5 के 5 मौक़ों पे अगर आप लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लेते हैं तो वो थोड़ा मतलब अजीब है, मतलब हम मास्टर लीग खेल रहे हैं और डेली आप 5 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ रहे हैं. सो गाइस आप एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो जहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी मैंने बताई है उस स्ट्रेटजी में ये है कि आप दिन में सिर्फ 2 पकड़ें लेजेंडरी पोकेमॉन और उस स्ट्रेटजी से आप 2 ही पकड़ सकते हैं, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकड़ेंगे आपकी रैंक बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और रैंक बढ़ेगी तो आपके अपोनेंट जो आएंगे वो भैया ऐसे वैसे नहीं होंगे, मेरे जैसे तो खास कर नहीं होंगे भैया, ऐसा लिटा लिटा के मारेंगे फालतू में,
सो गाइज वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को और उसको देखिए यार, उसको देखें सीखें उसको कैसे आप मास्टर लीग जीत सकते हैं। ईजिली आप जीतेंगे मास्टर लीग, ईजिली आपको मिलेंगे लेजेंडरी पोकेमोन, और कोई रास्ता नहीं है लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने का आजकल, क्योंकि जिस जो कंडीशन अपनी कंट्री में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, आप कहाँ जाएंगे बाहर यार, क्यों रिस्क पे जाएंगे? घर बैठिए आपको बैटल्स मिल रही हैं, बैटल्स कीजिए, पकड़िए लेजेंडरी पोकेमोन, गिफ्ट शेयर कीजिए और घर बैठे बैठे पोकेमोन पकड़िए, सबसे सेफ मेथड यही है। सो गाइज अलोलन राइचू डिड द बेस्ट, जिस चीज़ के लिए मैंने चूज़ किया था उसने वो काम कर दिया है। बाकी ये जो 20% बैटरी वाला मैसेज है इसके लिए मैं सॉरी, मैं फ़ोन चार्जिंग में कभी नहीं लगाता यार, और ऐसे मेरे से आप बहुत सारे लोग होंगे जो फ़ोन चार्जिंग में नहीं लगाते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम पकड़ने वाले हैं लेप्रास, जो कि हमने लिखा है। मुझे इससे पहले दो बार और मौका मिला लेप्रास पकड़ने का, पर कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। तो होता क्या है कि मैं अभी अलोलन राइचू को हटा के थंडरस ले रहा हूँ, तो लेप्रास पकड़ने के तरीके बताता हूँ क्या है, और वो तरीके सच में हैं। सबसे इजी मेथड है वो है आपके घर के आसपास टीम रॉकेट आएगी, आप उनको हराइए। आपको वेट करना पड़ेगा उस टीम रॉकेट का जिसके पास पहला पोकेमोन लेप्रास हो, और वो इजीली आपको एक वीक के अंदर मिल जाएगा। उसको पकड़ना थोड़ा ट्रिकी होगा, पर आप बार बार ट्राई करते रहेंगे तो आप पकड़ ज़रूर लेंगे। दूसरा मेथड है इजीएस्ट वन, जो कि है गो बैटल लीग। इसमें आपको कम से कम 2 वीक लगेंगे, पर आप पकड़ लेंगे। और तीसरा मेथड है जो कि मतलब भगवान जाने लक पे है। इस तीसरे मेथड में 2 तरीके हैं, एक तो एग हैचिंग है, 10 किलोमीटर वाले एग, 7 किलोमीटर वाले एग, इनमें निकल सकती है लेप्रास। और दूसरा तरीका है जब आप ये अंडे फोड़ रहे होंगे उसी दौरान आपको वो कहीं मिल जाए। सो गाइज ये 3 मेथड हैं लेप्रास को पकड़ने के। सो गाइज ये वाला मैच मैं थोड़ा आगे निकाल देता हूँ, क्योंकि इस मैच में मैं हार जाऊँगा और क्या देखोगे मेरी हार यार। थोड़ा सा इसको आगे निकालेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा। सो गाइज उस मैच को सक्सेसफुली हमने अगर आगे निकाल दिया है, आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि मुझे आपके टाइम की ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आप जितना टाइम मुझे देंगे उतना मेरी वीडियो को वॉच टाइम मिलेगा। सो गाइज कोशिश कीजिए अगर है कि मतलब कम से कम अगर आपको वीडियो बोरिंग भी लगे तो आप इसको 50% तक चलने दीजिए। उससे क्या थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, धीरे धीरे मैं और इम्प्रूव करूँगा, थोड़ी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। माइक अभी है नहीं मेरे पास, तो गाइज मैं ऐसी हैंड फ्री में रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो गाइज मैंने इस बार लिया है इलेक्ट्रिकल पोकेमोन में गोलेम, एलोलन गोलेम है ये। इसके बेनिफिट हैं म्यूटू, ड्रैगनाइट, फायर टाइप पोकेमोन, वाटर टाइप पोकेमोन। सो गाइज इतने पोकेमोन, अगर ये पोकेमोन अगर आ जाए आपके सामने तो ये उनको पेल देगा। सो मैंने अभी स्विच किया है कोबेलियन में, क्योंकि वो उसको पेल तो देता, पर क्या उनके पास 2 शील्ड हैं। पहली बात 2 शील्ड हैं, दूसरी बात वो ड्रैगन ब्रैच छोड़ रहा है, और कोबेलियन एक ऐसा लड़का है हमारे टीम में जिसको भी ड्रैगन ब्रैच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत स्टेमिना है इसको बदबू सूंघने का, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। कोबेलियन को जहाँ खड़ा कर दो वहाँ से मैच बदल जाता है भाई। सो भाई उसने ड्रैगनाइट स्विच करके रैपिरियर पे लिया है, रैपिरियर को इजीली ये मतलब ख़त्म कर सकता है। तो इस बैटल में ख़त्म करने का मतलब होता है कि उसकी 80% हेल्थ ख़त्म कर देना। अगर कोई आपका एक पोकेमोन, 2 पोकेमोन के किसी एक के 80%, किसी एक के 30% हेल्थ कम कर रहा है तो वो पोकेमोन आपका बहुत बढ़िया है। सो गाइस कोबेलियन को हमने खो दिया है, पर कोबेलियन ने जो काम किया है वो बहुत यूज़फुल है, और हमने शील्ड यूज़ किए। तो भाई एक टिप और दे रहा हूँ मैं आपको, वो टिप ये है
कि आप हमेशा शील्ड यूज़ करें जब सामने वाला पोकेमोन काफ़ी लंबे टाइम से चार्ज अटैक ना कर रहा हो, क्योंकि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। और एक बात और, अगर आप किसी से लड़ रहे हो और आपकी हेल्थ जल्दी ख़त्म हो रही है, तो उसको और आपका वो पोकेमोन बहुत जल्दी चार्ज अटैक छोड़ता है, तो चार्ज अटैक मत छोड़िए। जैसे ही वो चार्ज अटैक करने वाला है उसको स्विच कर दीजिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने गोलेम को स्विच किया था चार्ज अटैक करते टाइम, और उसका यूज़ यहाँ पर है। सो गाइस, ये वाली जो टिप दी है इसको ध्यान से सुनना एक बार और इसको प्रैक्टिकली करना आप। तो गाइस, ये मैच हम जीत चुके हैं लगभग, क्योंकि अपना गोलेम जैसे बताया फायर टाइप पोकेमोन को धूल चटा देता है, और गाइस धूल चटा रहा है, वो धूल चटा दी है। तो अब हम जाएंगे लैप्रास को पकड़ने, और देखिए भाई जो मैंने बोला है वो सच है कि लैप्रास को मैं नहीं पकड़ूंगा, मैजिक का पकड़ेगी, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। सो मैं सोच ही रहा था कि मुझे मैजिक का मिल जाए, और दिस इज़ व्हाट लैप्रास इज इन फ्रंट ऑफ अस। So here we can see that I am going to throw the ball. Before that, I will give him some pineapple berries. And this is the magikarp shot. Thank you, magikarp. तो आपने देखा magikarp ने शॉट दिया। तो होता क्या है, फंडा ये है कि जब आप बॉल फेंकते हैं और सामने वाला पोकेमोन उस बॉल को आपके ऊपर फेंकता है, उस केस में अगर आपका बडी के पास दो हार्ट हैं, वो आपका अच्छा बडी मतलब ग्रेट बडी बन चुका है, तो वो उस बॉल को रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरीके से, और जो वो रिफ्लेक्ट करेगा वो बेस्ट रिफ्लेक्ट होगा, आपके थ्रो से अच्छा होगा, और हमने लैप्रास पकड़ लिया, जो कि मैंने नहीं पकड़ी है, मैजिक का आपने पकड़ी है। Thank you guys for watching. Please like, share and subscribe. It's a humble request. Thank you guys for watching.